बस ये फोटो लेता है, वीडियो बनाता है और इसकी लाइव रेंडरिंग जो होगी वो वहां पर पड़े लैपटॉप पे होगी। चल दिखा तो सही फिर ये क्या चीज है, कैसे काम करता है। तेरे सामने ये चीज है, टेस्ट इट, कम ऑन। ओके ओके, ओ प्लीज, ये चीज है ये। ओ ये क्या है, लेंस है ये, लेंस। सही दो, लेट मी आंसर ब्रो, इट्स माय इन्वेंशन। ओके भाई देख, अगर मैं आपको कुछ हो गया देख लेना क्या होगा तेरा। 3 साल की मेहनत है ब्रो, विश्वास रख मुझ पे। ओके चला रही है लैपटॉप। क्या रे भाई, दोबारा रिकॉर्ड कर हुनर, रिकॉर्डिंग ऐसे शुरू की। देख भाई, डबल ब्लिंक कैप्चर्स अ पिक्चर और ट्रिपल ब्लिंक, डबल ब्लिंक ऑफ आई, यस ओके, और ट्रिपल ब्लिंक कैप्चर्स अ वीडियो। ओके या स्टार्ट। यार भी कितने क्लियर है भाई, बंदे बंदे का फर्क है। वैसे भी 3 साल की मेहनत है ब्रो, टाइम लगता है। ऑडियो नहीं आती इसमें भाई? नहीं यार, अभी तो सिर्फ वीडियो ही है, ऐसे ही देख लें। चल यार, भी चीज तो बहुत अच्छी है, तुझे चोरी होने का डर नहीं है? नहीं देख, चोरी होने का डर तो है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि पेटेंट अपने नाम पे करवा लूँ, ताकि मतलब मेरे नाम पे हो जाए, और अगर चोरी हो भी गया तो पैसे तो मुझे ही मिलेंगे ना कभी। चल कोई बात नहीं, पेटेंट बाद में करवा लेना, पहले ये बता कितने मिलेंगे इसके ऑलमोस्ट। 50-60 करोड़। 50-60 करोड़ भैया, आराम से। तू ये सोच, जिसने वो बनाया था वो एक्सचेंजर, उसको 50-60 करोड़ मिले थे और उसमें वो सिर्फ डब होती थी आवाज, तब भी सोच कितना ज्यादा है। कैच मी इन द वीडियो, भाई आज ही चलते हैं। बस आप चलो, कार्तिक और मैं आ गए। बस लेंस तो उतार दे भाई, साथ ही लेके जाएगा क्या? चलो निकाल लेते हैं, आ जा ध्यान से। चल मेरी स्पेक्स भी दे दो, वो अपने साथ रखनी है। तुम ही मैं साथ, चल दे दे फिर। चलो ठीक है भाई, बाय। ये ले करते हैं, इसको कर ध्यान से उठो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 50 करोड़ की चीज है। और ये इसके ब्लूप्रिंट्स डिलीट नहीं होने चाहिए, बस ध्यान से रख। यार आते वक्त तो मैं हुनर के घर पे हूँ।
भाई। नई जैकेट ऐसे ही है बस। अच्छी अच्छी है। म्यूजिक कैसा चल रहा है? क्या अरमान की वेट कर रहे हैं? हाँ यार। और भी कैसा है? यार तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। यार बस थोड़ा जुकाम है यार। कोई नहीं, आजा आजा। हाँ हाँ बस चलते हैं। और क्या हुआ? यार तबीयत ठीक नहीं है। चल तू रहन दे, गाड़ी गंदी कर दियो। नहीं तो मुझे पता है मान, तुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तू आराम से बैठ, पार्टी कल को कर लेंगे। चल बाय बाय। तो मैं लेके रहूंगा कल को पक्का। बाय बाय। स्कूटी दे दे, मैं काम पे जाऊंगा। जल्दी गए यार, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे दोस्त ने ऐसी चीज ना कैसे ली जो पूरी दुनिया में नहीं किसी ने बनाई। हाउ इज दैट पॉसिबल भाई? तू तो क्या, कोई भी नहीं मानेगा कि मैंने एक नाइन क्लास के बच्चे ने एक लेंस बना दिया। आई एम सो शॉक्ड टू नो दैट। पर फिर भी तूने बना कैसे लिया यार? वो बाद में बात करते हैं, पहले कुछ खा लें। चलो खा लेते हैं। एक फ्रेश लाइम सोडा, एक कोक। कोक है भी कुछ खाने के लिए बताओ। मंचूरियन। ओके। चीज़ स्टिक। ठीक। डाइटिंग। ओके। यार यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है। सही में थैंक यू। मंचूरियन बीच में चल भाई कंटिन्यू। तुझे पता है कार्तिक, मेरे पापा एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और उन्होंने सोचा कि जब तक मैं 14 साल का हो रहा हूँ अपनी सारी नॉलेज मुझे दे दें। मुझे पता है गाते कि 14 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है और उसके दिमाग में जो भी डाल दो उसे याद रहता है। और इसलिए व्हेन आई वाज इन 6 आई न्यू मोर देन एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यार वैसे ये चीज़ लाखों की तो होगी, पर तेरे पास ये पैसे कहाँ से है इसके लिए? यार मेरी फीस तो माफ़ हो ही जाती थी, आई एम सो इंटेलिजेंट। और मेरे जो पापा थे उनको ये बारे में इस बारे में नहीं पता था, और जो वो पैसे भेजते थे वो मैं इस काम के लिए लगाता था। दैट्स ऑल। चल कार्तिक थोड़ा सा तो भी था। थोड़ा सा? चल 2-3 लाख। 2-3 लाख? या वैसे आगे के प्लान्स क्या करें? बस सर कल को पेटेंट करवाएंगे, मेरे नाम पे हो जाएगी फिर, और हम इसको बेच देंगे। बस परफेक्ट सेफ रहे भाई, जब तक मेरे पास तो सेफ ही है। तेरे पास है वो? हाँ, पर किसको बताइए। अभी एक मिनट में आना। कौन है? मेरे जूनियर का फोन है, प्रोजेक्ट में बारे में पूछना। ओके भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा है? आ रहा हूँ। खेले मत छोड़ मुझे, बस 10 मिनट में आ गया। ठीक है। कल को सबमिट करा दे। 20 मिनट हो गए यार। कार्तिक स्विच ऑफ। क्या हो गया यार?
परसों की लगता है साला भूल जाता है। ओए कुछ बोलना मत। हाँ भाई वो उठा के लेके जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं यार उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो हमारा ही बंदा है। अच्छा कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं थैंक यू। पक्का ना? हाँ जी बस ठीक है ओके। कार भी नहीं सारी कई काम पे यार। कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का बहरा, चश्मे को हटा दो आंखों का नीला लो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से बता दे लेंस कहाँ पे है। भाई कौन सा लेंस? अच्छा बताता हूँ, पर तुझे कैसे लेंस के बारे में बता? यहाँ पे सिर्फ सवाल हम पूछेंगे, तू सिर्फ जवाब दे। भाई मुझे सच में नहीं पता कि लेंस कहाँ है, हुनर ने मुझे नहीं दिया। तुझे पता है तुझे झूठ भी नहीं अच्छे से बोलना आता, अभी तो बोल रहा था कि मैं तुझे सब बताता हूँ। अरे बोल रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, तो पहले ये डिसाइड कर कि तुझे पता है कि नहीं पता। भाई नहीं पता। तो तुझे सब कुछ मजाक लग रहा है ना? तूने कभी वाटर बॉडी का नाम सुना है? What the hell? What?
सालो मारोगे क्या? अकल ही है तुमको? बताते हैं फिर से हम कितने बेवकूफ हैं हम। बताना कितने में छोड़ो। घर लैक्स मेरे घर में पड़ा है। घर पे कहाँ बेबे? मेरे कमरे के ड्रॉअर में पड़ा है। चाबी बेड के नीचे है। इसे यहीं छोड़ देते हैं। चल घर। भाई मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें दो यानी लेके जा रहे थे। मैंने देखा तुम्हें क्या हुआ, मदद करने आ गया। भाई तेरे पास फोन है? हाँ है। देना जरा पड़ रहा। तुम्हारी आँखें क्यों बंद है? वो मैं तुझे बाद में बताऊँगा, पहले फ़ोन दे। हेलो हुनर भाई, जी छेती लेने आ। मैं ज्योति टी वी के पास हूँ। छेती आ। पता कैसे चला कि तुम ज्योति टीवी के सामने हो? मतलब तुमने नर्सिया के बारे में सुना है? वो करता है। चल छोड़ फिर। आराम से यहाँ पर बैठ जा भाई। थैंक यू यार, यहीं पे छोड़ दो मुझे। थैंक यू भाई। वेलकम। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं बैठ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। चल चल जल्दी चल, बैठ आराम से बैठ जाओ। काम पर था कार्तिक, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे केला भी छोड़कर आ गया। गिल्ला क्यों और तेरी आंखें क्यों बंद है बे? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले मेरी आंखें साफ कर। क्यों, क्या हुआ? भाई मेरी आंखों में लेंस है। अबे आंखों में लेंस कर रहे हैं तेरे? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले मेरी आंखें साफ कर। भाई लेके गया है साफ करने के लिए? कुछ नहीं यार, बाजार से एंटीसेप्टिक लिया है। क्लोरोफॉर्म तो साफ करने के लिए? हां कर देगा। क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म में कर रहे थे आंखों में? बाद में बताता हूँ, पहले साफ करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम चल भाई, तेरी आंखें साफ हो गई, अब जल्दी से लेंस निकाल बाहर। चल शुक्र है मेरे पास दो तीन लेंस केस थे। अब बोल बात क्या थी? अब सॉरी। जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे लेंस डाल लेना चाहिए, और जब मैं बाहर आया तो मैंने लेंस डाल लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास ही ज़्यादा सेफ रहेगा, और इंटरेस्टिंगली एंड में वो ही अच्छा रहा। एक मिनट पॉज करियो। हाँ बोल। तुझे पता था वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं तुझे? हाँ जब उन्होंने कार रुकी तो मुझे पता लग गया था कि मैं कहाँ पर हूँ। कैसे? इनर्शिया। जब कार राइट को मुड़ी तो मैं लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले वो ड्रीमलैंड से लेफ्ट को मुड़ा, फिर हम बाईपास रोड आ गए, फिर वो राइट को मुड़ा, फिर शीश मारा कॉलेज आ गया, फिर हम अगेन लेफ्ट को मुड़े, फिर राइट को मुड़े, और एंड पे उसने बाजार के एंड पे रोक दिया। भाई मुझे सच में नहीं पता कि लेफ्ट कहाँ है, उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं ज्योति टीवी के पास हूँ। चितिया। थैंक यू भाई। वेलकम। आगे के बाद आगे। तुझे किस पे शक है यार? क्योंकि ये बात तो सिर्फ हमें पता थी ना। भाई ये आवाज़ तो गैरू की लग रही थी। साले पे मुझे भी शक था यार, कल जब मैं कह रहा था ना कि पेमेंट करवा लेते हैं, साला कह रहा था कि आराम से करवा लेंगे, और रेस्टोरेंट में भी जब तू गया उसके बाद कैरव गया था, और उसके बाद कहीं भी नहीं मिला यार। यार वो छोड़, और ये सोच के कैरव गया काम पर। क्या पता यार साला, अभी से सालों यहाँ पे क्या करूँ, रेस्टोरेंट में छोड़ के आ गए। तुझे बताता हूँ मैं,
मेरी बात सुन। तू कहाँ पे था? रुक पहले मेरी बात सुन, फिर सोचियो क्या बोलूं। मुझे सबसे पहले प्रेशर आया और मैं वॉशरूम गया, और जब मैं वॉशरूम से बाहर आकर हाथ धो रहा था तो किसी ने पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी जैकेट बदल चुकी थी और मेरी नई जैकेट कोई उठा के ले गया था। तूने कहा था कि कैरम की आवाज थी। भाई कैरम की सिर्फ आवाज थी पर वो नहीं था। जिसने मुझे पकड़ा था उसने मुझे लात मारी थी और फिर मैं नीचे हुआ और फिर उसने मुझे बेहोश किया। अगर कैरम होता तो उसकी आईटी बहुत ऊंची थी, उसे मुझे नीचे करने की जरूरत थी। सुन लिया? और तू बेहोश हुआ था? तो चुप रह यार, तुझसे तो कोई बात नहीं करा, तो बाद में बताएंगे सब कुछ। पता नहीं किसकी झगड़ा है यार। यार हो कौन सकता है, तू क्या कह रहा था, मान क्यों नहीं आया? कुछ नहीं यार, उसे माइग्रेन है और मैंने उसे मना किया था। उसे कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी हाइट भी छोटी है और वैसे भी हम चारों की पता है उसके बारे में। यार अरमान तो ठीक है, मगर दूसरा कौन हो सकता है यार। एक चीज और, कार में गीले लेदर की स्मेल आ रही थी, जो कोई भी था वो जरूर बारिश में गया होगा जैकेट पहन के। जीनियस। यार बारिश तो आज बठिंडा में हुई थी और हमारे दोस्तों में से कौन गया बठिंडा? मुझे तो नहीं पता कोई गया। ओ शिट यार, अब मुझे सारी प्लानिंग समझ में आई। अरमान को कैसे पता कि मैं बाहर आने वाला हूँ और वो मुझे किडनैप करेगा? मुझे कॉल की गई थी ताकि बाहर बुलाने के लिए और वो मुझे किडनैप कर सके। अरमान के साथ कोई मिला हुआ है। मगर तुझे कॉल किसने की थी? के लिए हमें अरमान के घर जाना पड़ेगा, चल चलते हैं। भाई वहाँ पे जाके कहेगा तू क्या? अरमान पे जाके सीधा एलिगेंस थोड़ी लगाएगा। यार तू उसकी चिंता मत कर, मैं अपना संभाल लूंगा, स्टार्टिंग मैं करूंगा और एंड वो करेगा। और आवाज का क्या, आवाज तो मेरी आ रही थी, तुझे जाके एलिगेशन थोड़ी लगा देगा। तुझे वॉइस चेंजर याद है? तू ये सोच, जिसने वो बनाया था वॉइस चेंजर, उसको 50-60 करोड़ मिले थे और उसमें चेंजर तो बहुत महंगा नहीं आता, अरमान अफोर्ड कैसे करेगा? ये कुछ कह नहीं सकते, वहां पर जाके पता लगेगा। ओके चलो ब्रो, तो कभी नहीं सुधरोगे। तो मुझे पहले किस मैदान में लड़ना होगा? तो पूछेगा नहीं यार पार्टी कैसे गई? पार्टी अभी तो पूछा, अच्छी तो गई तुम्हारी? हाँ मेरे लिए तो कुछ ज्यादा अच्छी। वो कैसे? भाई तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे उठा लिया गया था। है क्या होते हैं, वो क्या होता है? भाई मुझे किडनैप कर लिया गया था। क्या कह रहा है भाई? सच में क्या कह रहा है यार ये? पहले कैरफ को उठा लिया गया था, हुनर की कार भी ले गए और मेरे साथ वाटर बोर्डिंग की। क्या कह रहे यार तू? क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना सब? भाई हम तो ठीक है, मगर वो ठीक नहीं रहेगा। कौन? वो उठाने वाले से? हाँ उठाने वाला। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे पता लग जाएगा। कैरम को जिसने भी जैकेट पहनाई थी उस पर उसके बाल आ गए थे और अब वो जैकेट डीएनए टेस्टिंग के लिए गई हुई है और हमें रिजल्ट पता लग जाएगा। और दूसरी बात, हुनर की कार। मेरे पास एक जीपीएस सिस्टम है जो कार में लगा हुआ है, और मेरी कार के साथ किसी ने भी कुछ भी किया तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जो लैपटॉप में दिखेगी, तो ये पकड़ा जाएगा। पहली बात तो डीएनए टेस्ट की, उसमें औरों का भी तो ब्लड चाहिए, सिर्फ एक बार से थोड़ी काम चलेगा। और तुम्हारी कार की बात, उसमें जो तुम्हारा जीपीएस है उससे सिर्फ लोकेशन पता चल सकती है, उससे कोई बंदे का फेस थोड़ी आएगा, उसके लिए तो कैमरा चाहिए। कैमरा है तुम्हारी कार में? एग्जैक्टली, मेरी कार में कैमरा फिट है, जो एलसीडी थी ना उसी में कैमरा था। डीएनए टेस्ट की तो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था, उनका ही खून चाहिए होगा। चोर पकड़ा ही गया है, तो चोर का नाम भी बता देना चाहिए। हाँ उसका नाम है अरमान। छोड़ो यार, बातें बंदे के कर देख और अब बीच में मत आइयो।
हाथ में चला अपने काफी चुप करवा इसको मारना मुझे भी आता ज्यादा मत बोलो और ये बता चोरी कैसे की तुमने उल्टी का बहाना करके मैं घर पे रहा और फिर मैंने कपड़े चेंज किए और तुरंत होटल आ गया फिर मुझे पता था कि कैरम ने तो लाइम सोडा को ही ऑर्डर करना है और फिर मैंने लाइम सोडा में एक गोली डाली और वॉशरूम का बहाना करके चला गया ओके यार यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है सही में और इसीलिए मेरी गोली के कारण कैरम को वॉशरूम जाना पड़ा और जब भी वो वॉशरूम आया तो मैंने उसे पकड़ा और बेहोश कर दिया फिर मैंने कैरम को बेहोश करके उसकी जैकेट खुद पहन ली और मेरी जैकेट मैंने उसको पहना ली फिर मैं बाहर आ गया और फिर प्लान के अकॉर्डिंग कार्तिक फ़ोन पे बातें कर रहा था और मैंने जाकर उसे बेहोश कर दिया मगर जैकेट चेंज करवाने की क्या ज़रूरत थी जैकेट मैंने इसलिए चेंज करवाई मैं चाहता था कि सबका शक कैरम पे जाए फिर मैंने वॉइस चेंजर लगा लिया था ताकि मेरी आवाज़ कैरम जैसी लगे फिर मैं उसे एक गोडाउन में लेके गया वहाँ पर जाकर मैंने उसे धमकियाँ दी और लेंस के बारे में पूछा तूने मुझे मारने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी मैंने सिर्फ डराया था तुम्हें फिर मैं कार्तिक के घर गया वहाँ पे जाकर मैंने लेंस ढूंढने की कोशिश की वहाँ पे मुझे एक डब्बी मिली लेंस की मैं उसे उठा के अपने घर आ गया वहाँ पे मैंने खोलने की कोशिश की पर उसमें कुछ भी नहीं था इसमें लेंस ही नहीं है यार नहीं है लेंस शिट अबे काहे का मास्टर प्लान लेंस तो भी हमारे पास ही है वो छोड़ और ये बता दूसरा आदमी कौन था यार कोई नहीं बस वो रोड से उठाया हुआ आदमी था एक नहीं कार्तिक तू कुछ कह रहा था कि कौन था वो अभी आते ही होगा वेट कार्तिक तुमने बुलाया क्यों था और तुम लोग तू यहाँ पे क्या कर रहे तुझे कहा था नहीं आना अरे भाई चुप कराने की कोई जरूरत नहीं है हमें सब पता है सब चल क्या रहा है हनुमान तू ये बता दे हनुमान तुझे लगता है यार नहीं लगता तूने की बने हनुमान इन्हें बता देना तू चुप रहे मैं इसका भाई हूँ वो भी सखा यार ये कोई भाई भाई नहीं है यार मेरा देखो ये मेरा भाई है और मैंने इसको कहा था कि चोरी करे ये मेरा भाई है और मैंने इसको कहा था कि चोरी करे भी भाई लगता है क्या लगता है हमें उससे कुछ लेना देना वैसे भी हमने रिकॉर्डिंग तो कर ही ली है एंड वी हैव द प्रूफ सो हम तुझे कुछ नहीं कह रहे हम किसी को नहीं बताएंगे बस आगे से पंगा ना लियो ठीक है वॉच तो ले लूँ अपनी और ये जो तूने मुझे बेहोश किया बस के लिए चल ठीक है लड़ाई मत शुरू कर चल ठीक है चल एक बात और तेरे पास वॉइस चेंजर कहाँ से आया ओ यार कुछ नहीं है वो बस मेरे पापा प्लीज मान जा
जिस घर से ना तुमने चीज उठानी है ना, बस उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तू चीज उठा रहा है। सर क्या मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हो? तूने जो कुछ समझ ले समझ ले, इसको चोरी समझ ले चोरी समझ ले, उठाना समझ ले उठाना समझ ले, ठीक है? सर मैंने आज तक कभी चोरी कभी नहीं की। तुझे कभी इतना फायदा भी नहीं होगा ना। चल लेकिन आपने मुझे क्यों चूज़ किया? क्योंकि तू बहुत ज़्यादा जीनियस भी है और तुझे हैकिंग भी आती है, इसलिए। सर मुझे कोई हैकिंग नहीं आती सर, कुछ भी नहीं आता ना, मुझे एक्टिंग आती है ना, मुझे कुछ उठाना आता है सर। मेरी तो पेट भी दर्द करती है कुछ उठाती हुई। मेरी बात सुन, तू समझ भी नहीं रहा है कुछ भी। मैं तुझे बता नहीं रहा, तुझे समझा नहीं रहा, तुझे कह रहा हूँ। इधर सुन, काम करेगा या नहीं करेगा जल्दी बता, टाइम नहीं है इतना। कर दूंगा पर मुझे मिलेगा क्या? गुड, नाउ दैट्स अ गुड पॉइंट। चल तूने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना तो है, कैम्ब्रिज वाली या दिल्ली वाली? दिल्ली वाली है। हां दिल्ली वाली है, दिल्ली कैम्ब्रिज वाली का तेरी उसमें एडमिशन कराऊंगा और 4 साल का पूरा का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा जब तक तुझे जॉब नहीं मिलेगी। सर ठीक है, क्या करूँ इस घर क्या? यहाँ से बहुत दूर एक हुनर नाम का लड़का, वो कैमरा बना रहा है, स्पेशल टाइप का कैमरा। हमने वो कैमरा चोरी कर लिया सर। लेकिन वो हम करेंगे कैसे? हाँ उसके लिए तूने पहले दोस्ती करनी पड़ेगी दो लड़कों के साथ, एक का नाम है फरमान, दूसरे का नाम है फरमान। क्या दोनों वो भाई भाई है? हाँ वो सच में भाई है। सर दोस्ती तो मैं कर लूँगा फरमान से आगे, बस उसके बाद कुछ नहीं। दोस्ती करने के बाद तूने फरमान को और फरमान को मनाना है कि वो लड़के को चोरी करे। सर उनको वो मना तो होगा पर आपने कहा था चोरी नहीं करनी है, पर चोरी तो अरमान कर रहा है और इसमें यही पर ट्विस्ट आता है ना, अरमान सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। वो कार्तिक को और हुनर को सिर्फ अलग लेके जाएगा तुझसे। तेरे पास पूरा पूरा टाइम होगा ब्लू प्रिंट्स को चोरी करने के लिए। मुझे कैमरा नहीं चाहिए, मुझे उसके ब्लू प्रिंट चाहिए। सारा का सारा प्लान अरमान बनाएगा, ही इज अ जीनियस। लेकिन हम उससे भी बड़े जीनियस हैं
हम एक बैकअप प्लान बना के चलेंगे. आई हैव वॉन्ट दैट ब्लू प्रिंट्स एनी हाउ. समझ में आ गया? चलो अब तो फौज आए. बे प्लान सक्सेसफुल हो गया. कांग्रेचुलेशंस. गुड. बहुत अच्छा दिनेश. थैंक यू ब्रो. यू नो तेरी वजह से ही हो पाया ये प्लान सक्सेसफुल. गुड. पार्टी करेंगे अच्छी सी, बड़ी सी पार्टी करेंगे. तू जा घर पे, ठीक है? तेरे घर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी, ठीक है? फॉर्म उसको फिल करियो, तेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्की. तो ये चीज है बोले. बच्चों को, बच्चों की हरकतें देख. सर पासवर्ड क्या है इसका पता है? फरमान सब कुछ प्लान करके रुक हुआ था भाई. सी ए पी टी यू आर ई एट सेवन. कैप्चर एट सेवन. कैप्चर एट सेवन. सर आपके साथ काम करके बहुत मजा आया. सर सबसे बड़ा कुत्ता तो तू निकला फरमान, जिसने अपने भाई को भी धोखा दे दिया. पैसे के लिए कुछ सर. अरमान मान मान कर मान. अब हम इस स्टेप टू शुरू करते हैं. वो क्या? अब अरमान जाके दोस्ती करेगा कार्तिक और मुनर से. कार्तिक और मुनर दोनों के दोनों शाम को सैर करने के लिए जाते हैं. कार्तिक जॉब कर रहा होगा, मुनर जॉब कर रहा होगा, वहां पर अरमान जॉब, अरमान भी जॉब कर रहा होगा. तू कल लेके आएगा, मारने की कोशिश करेगा, अरमान मुनर को बचा लेगा. ये बहुत पुराना स्टाइल है, हमेशा काम करते ना. ठीक है चलो. ओके दरवाजा लॉक कर दीजिए. आ रहे दोनों आज जल्द. मैं यूटर्न मार किया ठीक है भाई. ठीक है यार. ठीक है यार. हाँ हाँ थैंक यू ब्रो. कोई बात नहीं यार. स्पेक्स देख ठीक है तेरी भाई. ये क्या यार लेंस कहाँ पे? इसका लेंस रूम क्या शिट यार. चल यार कुछ नहीं होता. क्या रखे घर चलते हैं घर पास में. चल ठीक है. चल ठीक है ब्रो फिर मैं चलता हूँ. नहीं नहीं तू आ. चल कार्तिक भाई मारो कह रहा यार. सालो सुबह सुबह उठाती हो अब इतनी रात को. कुछ नहीं यार चोट लग गई थी बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए. यार लगता तो है नहीं. अब तुझे खून निकाल के दिखाएं? नहीं बस. और ब्रो ये कौन है? ओ यार अंदर चल के बता दे. चल चल सर हो गया. अरमान और फरमान और दोस्त है ठीक है. चलो अब वेट करते हैं देखते क्या होता है. कितनी देर?
एक दो तीन तीन चार साल सर साल बच्चे साल ही लगते होते हैं ऐसी चीजों के लिए वेट करना पड़ता है कमाने ना 10 करोड़ चाहिए तो वेट करना पड़ता है अगर कुछ बोल तो मैं आपको कॉल कर लूँगा ठीक है ओके हाँ भाई वो उठा के लेके जा रहे थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पैसे करेगा क्या 20 करोड़ रुपए बाहर जाऊंगा बाद में जाके पैसे लूंगा बस मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना यहाँ पर नहीं रहना चलो बात बताओ तुम दोनों ही क्यों तुम दोनों ही क्यों वैसे फरमान अपने पापा को कितना प्यार करते थे ज्यादा नहीं बस जैसे मैंने आपको बताया पैसा फरमान सच में बताऊं तो तेरे पापा का वॉश चेंजर मैंने ही चोरी किया था पूरी बात सुन ले मैं उनके पास गया था रुपए लेके जो मुझे मिले थे वॉच चेंजर को बेचने लेकिन उन्होंने रुपए नहीं लिए कहते तो उनको नाप चाहिए और मैं उसको उनको दे नहीं सकता था ठीक है और मुझे मालूम था कि अरमान बदला लेना चाहते हैं अपने पापा का सो इसलिए मैंने अरमान को चूज़ किया क्योंकि वो चोरी करने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन इसको मनाना पड़ेगा क्योंकि वो ये ना सच्चाई का कीड़ा ठीक है उसके लिए मैंने तुझे चूज़ किया लेकिन अपने चलिए बस रहने दो ऐसी कोई चीज़ है जो आपने खुद बनाई है फरमान पिकासो ने एक बात कही थी गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट जी एंड ऑफ ऑल वी आर द ग्रेट आर्टिस्ट सो हम कोई चीज़ बनाते थे सर वैसे हम भी बहुत टैलेंटेड हैं हम लोग टैलेंटेड नहीं है फरमान हम लोग जीनियस हैं जीनियस यू नो टैलेंट हिट्स द टारगेट वे नो वन कैन हिट बट जीनियस हिट्स द टारगेट वे नो वन कैन सी हम लोगों को देख भी नहीं पाया तो एक बाहर का आदमी निकला जिसे कोई जानता भी नहीं अरमान का भी भरोसा जीत लिया और 20 करोड़ रुपए भी लेंगे इन दिस इज जीनियस बाहर का आदमी मतलब फरमान जब भी हम मूवी देखने जाते हैं ना हम हमेशा एक्टर्स को पॉइंट करते हैं कि उनकी मूवी अच्छी नहीं थी वो बकवास थे हम हमेशा उनकी मूवी कहते हैं लेकिन दरअसल वो मूवी उनकी नहीं होती असली कलाकार होते हैं पर्दे के पीछे वो सभी अरमान कैरफ कार्तिक अंकित हुनर ये सभी के सभी एक्टर्स थे और असली कलाकार हम थे स्टेज के पीछे वाले सर एक आखिरी क्वेश्चन अगर हुनर ने केस कर दिया मुझे डर लग रहा है हुनर हुनर नहीं केस कर सकता क्यों नहीं कर सकता पहले ये सोच सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स मेरे पास हैं चलो उसको भी छोड़ दे भाई तू तो क्या कोई भी नहीं मानेगा कि मैंने एक नाइन्थ क्लास के बच्चे ने एक लेंस बना दिया कोई नाइन्थ क्लास के बच्चे पे यकीन करेगा कि उसने एक लेंस बना दिया मुझे नहीं लगता तू भी करेगा सो सभी के सभी हम पे यकीन करेंगे और वैसे भी जिसने वॉच चेंजर बनाया हो उस पर तो सभी विश्वास करने लगे और तुझे मालूम है मैंने आज से 4 साल पहले कहा था जब मैंने वॉइस चेंज रूम को पकड़ाया था कि मैं 4 साल बाद एक नई चीज़ लेके आऊँगा कोइंसिडेंटली 4 साल बाद ही वो चीज़ आ गई है और मैं उनके सामने पेश करूँगा और वो कुछ भी होंगे सो कोई भी हुनर पे विश्वास नहीं करेगा सभी मुझ पर करेगा सर अब सच में आपके साथ मुझे काम करना बहुत मजा है और मुझे तेरे साथ काम करके बहुत मजा आया